दोस्तों, हमारा चैनल अपना बगदादी नेटवर्क सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा लें। बात अरे बोलो, सिर्फ रहबर जो थे उनको नहीं, जो रहजन थे उनको रहबर बना। बेशक आज आप कहेंगे मौलाना साहब कोई मिसाल जी, मेरे आका ऊंटों को गिराने आए थे कि गिरा बोलो, या गिरतों को उठाने आए थे? गिरतों को उठाने आए, गरीबों के माल यतीमों के मल जाए। मेरे आका सबकी खबर गिरी लेने आए थे। अच्छा ये बताओ, मेरे आका ने जो तालीम दी है वो सिर्फ अमीरों के लिए दी है कि सबके लिए दी? सबके लिए। आज हम उस तालीम में है। नमाज बहुत अच्छी चीज है, रोजा भी बहुत अच्छी चीज है, इबादतें अच्छी हैं, लेकिन मेरे आका एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैस मिन्ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो छोटों पे प्यार ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे, आका फरमाते वो हम में से नहीं। अल्लाह। नमाजी हो, हाजी हो, काजी हो, मुफ्ती हो, पीर हो, कुछ भी हो, अगर छोटों पर प्यार नहीं है और बड़ों की इज्जत नहीं है, आका फरमाते हम में से नहीं। बेशक जब नबी में से नहीं तो मुसलमान रहेगा? वो कामिल मुसलमान ही आए। अच्छा ये बताओ, तबका दो है कि तीन है? दो ही है ना, एक छोटा होगा, एक सास बड़ी बहू छोटी जी, बाप बड़ा औलाद छोटी, हाकिम बड़ा नौकर छोटे, उस्ताद बड़ा शागिर्द छोटे। यहां भी जिम्मेदारी छोटे पे नहीं, पहले बड़े पे रखी है। ओ बड़े तू पहल कर, ओ तू प्यार देना शुरू कर, देख वो तेरी इज्जत के लिए आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इसी बात पर अमल हो जाए तो सारी दुनिया दो तबके में है। ये सास बहू का झगड़ा आज तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं कहता हूं इस पर अमल हो जाए। सास अपनी बहू को बेटी समझ ले और बेटी और बहू अपनी सास को मां समझ ले जी, वो तो सारे फितने खत्म होंगे कि नहीं होंगे जी? बेशक। तो हर बड़ा छोटे को प्यार देने लग जाए और हर छोटा बड़े की इज्जत करने लग जाए, माहौल सुधर जाए। तो ही तो तबके हैं जी। मेरे आका ने सारे मामला खत्म कर। दूसरी बात, इस्लाम जोड़ने आया है कि तोड़ने आया? जोड़ने, जोड़ने आया। इसलिए याद रखो, मेरे आका ने हमेशा नमाज जमात के साथ पढ़ाई है। जंगों में भी नमाज तो बड़ी बात है, जमात नहीं छूटी। जंग होती थी तो एक आधी पार्टी इधर नमाज पढ़ती, आधी वहां रहती। तो पता चला जमात की बहुत अहमियत है, और जमात से पता है जमात को, नमाज को मेरे आका ने क्या कहा? नमाज मेरी आंखों की ठंडक। अरे बोलो भाई, हम नबी के गुलाम है कि नहीं? और गुलाम कभी तकलीफ देता है कि अपने आका को नहीं? और आका की आंखों को ठंडक पहुंचाना किससे? नमाज के जरिए। बेशक। तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो क्या कर रहा है? दुख पहुंचा रहा है जी। तो दुख पहुंचाने वाला नबी का गुलाम कैसे हो गया? मेरी माँ बहनों, अगर नमाज ना पढ़ो तो झूठा तुम्हारा दावा। बेशक। नौजवानों, अगर नमाज से दूर हो तो झूठा तुम्हारा दावा। अगर गुलाम मुस्तफा हो तो नमाज कभी उनकी कजा नहीं। अरे बोलो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना? इंशाल्लाह। अब मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे आका का कर्म देखो, जकात को नहीं कहा, रोजे को नहीं कहा, हज को नहीं कहा आंखों की ठंडक, बल्कि किसको कहा? नमाज। नमाज को क्यों? अगर मेरे आका कहते हज मेरी आंखों की ठंडक है तो आका मेरी ये बात गलत लगी, बात करने की जगह एक बात ऋषि पड़ी।
तो मेरे और आप सबके आका करीम है, रहीम है, सबका ख्याल रखे, वही तो मुस्तफा है। बेशक। तो मेरे आका ने सबका ख्याल रखा। अगर जकात को कहते थे अमीर जकात दे देता, गरीब तड़प जाता, आका मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं आपकी आंखों को कैसे ठंडक पहुंचाऊं। जी। हज करने वाला अमीर मालदार चला जाता, गरीब तड़प जाता, आका मैं भी कोशिश करता, मेरे पास कुछ है ही नहीं, ताकतवर रोजा रख लेता, बीमार तड़प जाता। मेरे आका ने फरमाया, ना ना, मैं तड़पाने नहीं आया हूं, क्या बात, किसी को मजबूर करने नहीं आया हूं, एक अमीर और गरीब बराबर। जी। अमीर जकात देकर भी गरीब से आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों? अमीर पर जकात फर्ज है, पैसे पैसे की देनी पड़ेगी वरना गुनहगार होगा। गरीब पे जकात फर्ज है ही नहीं, जी, गुनहगार बेशक। नमाज, आंखों की ठंडक, अगर तेरे पास पानी इस्तेमाल कर सकता है, वजू करके नमाज पढ़ ले, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता, तयम्मुम कर ले और नमाज पढ़ ले, तू खड़ा हो सकता है, खड़ा होकर नमाज पढ़ ले, नहीं खड़ा हो सकता, बैठ के नमाज पढ़ ले, बैठ भी नहीं सकता, लेट के इशारे से नमाज पढ़ ले, कितना मालूम है काबे तो रुक करके नमाज पढ़ ले, काबा नहीं मालूम है, जिधर तेरी तबीयत करे नमाज पढ़ ले, तेरी नमाज हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बात हो। अरे बोलो भाई, जी, ज़कात अलग अलग दी जा सकती है या मिल के दी जाएगी? आप कभी दे दो, कभी दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा कोई, बल्कि जितना छुप के देगा ज्यादा सवाब मिलेगा। बेशक। लेकिन ये उजागर, घर में भी नमाज हो सकती है लेकिन मना है। मेरे आका भी यहां तक फरमाते हैं, और तो बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं घरों में आग लगा दे। याद रखो, नमाज नबी से बढ़कर कोई पीर नहीं। आज हम घरों में नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अरे मेरे आका ने जिंदगी भर जमात के साथ नमाज पढ़ी है। बेशक। और हम अगर घरों में पढ़ेंगे तो मस्जिद का मकसद क्या हो गया? जी, इसमें कोई मुमताज नहीं है, बल्कि हुक्म यह है, अगर जानबूझ के कोई जमात छोड़ता है वो पीर होने के लायक नहीं, फासिक है वो गुलाम। तो इस्लाम का मकाम समझो, जमात को इतनी अहमियत क्यों दी कि एक जाते हैं सैकड़ों, कोई तेरी है, कोई भिस्ती है, कोई पिंजारा है, कोई जुलाहा है, कोई शेख है, कोई कुरैशी है, कोई सैयद है, कोई मुगल है, अपने मन में सब क्या क्या बने पड़े और सब क्या कर रहे हैं, मैं तो शेख हूं, ये मेरे सामने क्या। लेकिन एक मुसलमान ये तेरे लिए जेब नहीं, ये इस्लामी इस देश से मैं बता रहा हूं, ये तेरा शेख ही भड़कना और दूसरे को नीचा समझना गलत है। बेशक। अगर समझ जाओ एक पैगाम, तो कुरान ने क्या कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उन्सा, ए इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। बेशक। मिन ज़कर व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअारफू, कबीले साते सिर्फ पहचानने के लिए हैं, फौकियत के लिए नहीं, बढ़ापन के लिए नहीं, ये ऊंच नीच के लिए नहीं, ये लड़ने के लिए नहीं है। कुरान क्या कहता है, कबीले जाते सिर्फ जो है पहचानने के लिए। बेशक। सुभान अल्लाह। एक बाप के चार बेटे, एक ने गोद का काम किया वो कसाई बन गया, एक ने सब्जी का काम बनाया वो गुंजड़ा बन गया, जब सब्जी फरोश हो गया, एक ने तिजारत की वो बढ़िया बन गया, एक ने खेती की वो काश्तकार बन गया। क्या जाते तो अलग अलग हो गई, क्या माँ बाप भी अलग अलग हो गए क्या? अरे के माँ बाप तो एक ही है ना, तो सबके बाप आदम है, सबकी माँ तो सब वो एक ही तो है, फिर भेदभाव क्यों? हाँ,
फजीलत किसकी बिना पर है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हें ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवा वाला है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो इज्जत ज्यादा लो तो कम नेकी ज्यादा कमाओ, नेकी के बलबूते पर वहां इज्जत मिलेगी, खानदान के बलबूते पर नहीं। सैयद साहब उधर खड़े हैं, शेख साहब इधर खड़े हैं, मुगल पीछे खड़े हैं, और फकीर का बेटा मुसल्ले पे आगे बढ़ा, हाफिज़े कुरान है, मौलवी है, तो बोलो ये फकीर का बेटा और पीछे बड़े बड़े अमीरों के बेटे, तो दौलत ने आगे बढ़ाया कि इल्म ने आगे बढ़ाया? इल्म ने। तो जितना सीने में कुरान होगा उतना उसका मकान ज्यादा। तो पता चला मकान मिलता है उसके नजदीक तकवा की बिना पर। आज हम ये गलत। अच्छा अब देखो कुरान में नमाज में क्या किया, एक नमाज एक सवाब, लेकिन जमात में आ गए तो 27 गुना सवाब पड़ गया। अब जरा बोलो तो वही नमाज तो है जोहर की असर की मगरिब की, फिर 27 गुना बढ़ी क्यों? जवाब मिलेगा, नमाज मिला दिया खुदा से, जमात मिला दिया बंदों को बंदों से, अल्लाह को प्यार इत्तेहाद में, जब ये एक हो गए अल्लाह को प्यार आ गया। वाह क्या बात है। जमात में बहुत बड़े फायदे, भेदभाव खत्म, जात पात खत्म, ऊंच नीच खत्म। बाहर बैठे थे कि जनाब उठ जाओ, शेर साहब आ रहे, उठ गए, चौधरी साहब ने कुर्सी छोड़ दी, लेकिन यहाँ फकीर बैठा आगे, बादशाह या पीछे है, मजान बादशाह की उठा दे नहीं। क्यों? बहुत जगह होंगी जहाँ शेर बैठ होंगे, यहाँ तो तू भी अल्लाह का बंदा है, ये भी अल्लाह का बंदा है। हाथ फैलाने आए, ये भी हाथ फैलाने आए, तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ कोई फर्क नहीं। बोलो नमाज में एक किया कि नहीं जी? अच्छा बोलो ये नफरतें खत्म करनी है कि नहीं? अरे बोलो भाई जी, हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह नफरतें खत्म करेंगे ना इंशाल्लाह। मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो तू छोटी सी बात है, हम जमात से पहले लड़ ली, दो भाई थे झगड़ा होंगे, अब जैसे पहुंचे नमाज में एक इधर खड़ा एक, लेकिन एक ही सब में किसने खड़ा किया? नमाज ने। बेशक वो उसके घर नहीं जाता था, वो उसके घर नहीं जाएगा, अल्लाह के घर में। तो और फिर आका फरमाते सफे सीधी कर लो, कहीं टेढ़ी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। अल्लाह सीधी कर लो, कांधे से कांधा मिला दो ताकि कनेक्शन आ जाए जी। अरे इनमें से लड्डू से एक से कनेक्शन मिल गया तो मिलेगा नहीं कनेक्शन? जब सबके कांधे से कांधे मिल गया तो कनेक्शन। और अब यही नहीं, आखिर में कहा कि फैसला भी कर दिया, मुनाफिक सबसे बदतर है ना। मुनाफिक वो होता है जो दिल में कुछ और जुबान पर कुछ, वो मुनाफिक। और कुरान ने कहा इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल असफल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले कड़े में होगा। तो जन्नत में जाने के लिए पक्के मस्जिद में कि जहन्नम में? जन्नत, जन्नत के लिए। अब तुमने कहा हुक्म है सलाम कर, अरे बोलो सलाम फेरते बोले जी, तो कभी मसला मालूम क्या किसके लिए सलाम कर रहे हो? इधर जितने हैं उनको सलाम, और फरिश्तों को भी सलाम जो तेरे कांधे पर है जी। बेशक इसलिए सलाम वालेका नहीं कहते, सलाम वालेकुम, तुम सबको सलाम। तो इधर तुम्हारा दुश्मन भी है। वाह। अब अगर जबान जबान से कहता दिल से नहीं तो मुनाफिक। तो पता चला क्या बात है, बात से के मैंने फूक दिया गुस्सा और मेरी तरफ से तू सलामत रहे, मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, सलाम को समझा क्या क्या है जी।